एलन के स्पेशल सर अब होंगे आपके घर। सबसे पहले स्टडी करते हैं हम ए पॉइंट की। मैं इधर ए लिख देता हूं और इधर बी। तो x1 के लिए मैं ए और बी की स्टडी कर लूंगा, ऐसे ही x2 के लिए मैं सी और डी की स्टडी कर लूंगा। सबसे पहले आप देखिए ए पर, आप देखिए ए पर फोर्स नेगेटिव है, ए पर फोर्स नेगेटिव है, बी पर आपका फोर्स पॉजिटिव है, तो यहाँ फोर्स पॉजिटिव है। तो आप समझ सकते हैं इस पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड पर जो फोर्सेज हैं वो फोर्सेज उस पार्टिकल को x1 से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब x1 विल रिप्रेजेंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। अब आ जाइए आप x2 पर। x2 के पहले हमने c पॉइंट पर स्टडी की, तो c पॉइंट पर आपका फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। और फिर d पॉइंट पर स्टडी की, तो d पॉइंट पर फोर्स कैसा है? नेगेटिव। तो आप देखिए x2 के दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं यानी c पॉइंट पर और d पर, वो फोर्सेस उस पार्टिकल को x2 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब अगर पार्टिकल को आप x2 से डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल बार बार x2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि उसके दोनों तरफ के फोर्सेस पार्टिकल को x2 पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। एलन सर आज ही ज्वाइन करें www.allen.ac.in/allensir।